सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों का पक्का मकान बन सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के रठैना गांव निवासी सुमित्रा देवी सहित 10 लोगों का आवास न बनने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत बहुत होती है, रहने का जगह नहीं रहता है, बारिश होता है तो चूता है और हवा चलता है उड़ जाता है, आंधी तूफान आती है, साल में 2 बार छुआना पड़ता है इसको, कभी पल्ली तानो कभी छप्पर छाओ, तभी रहने का ही परेशानी होती है। बरसत दुनिया था तो ठिकाना ना लागत था यार, यार अपन कोने कोने लड़कन कहीं है कोने वह कोने करक पड़ता है, अनाज पानी ये भीग जाता है, धरा उठावा रहा था आनी पानी ऐसा होता है तो उड़ जाता कराइन भर, तो सलिए में बाजी तो छह परत है, गांव किनारे है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार हैं। यदि आपका आवास बन जाए तो उससे क्या फायदा होगा? अरे फायदा भैया ये है कि लड़के बच्चे दो आराम से, तो मजूरी मेहनत के कलाई तो अपने घर में खाई है, तो कोई प्रयास आप नहीं किए कि बन जाए आपका आवास? भैया कभी बाजी करी गवा, लेकिन जब ना आई आए तो क्या करी, कभी बाजी लिख ली ले गए। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के वीडियो का मोबाइल नंबर है 94 54 47 58 पर फोन कर दबाव बनाए। मैं परमजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।